आते आते समय भाई एक जगह थोड़ी बहस हो गई भाई। पिछले चक्कर आया मैं भाई, पिछले चक्कर हमने वहाँ पे पर्ची जो है 70 रुपये दी, तो इस चक्कर में जो आए इस चक्कर में आया तो इस चक्कर में उन्होंने लिया भाई 100 रुपये मांगने लगे भाई। मैंने उनको बोला भाई किस चीज़ का 100 रुपये देना है भाई। फिर वहाँ से भाई जब मैंने थोड़ी बहस शहस की तो फिर उन्होंने 30 रुपये मेरे को वापस दे दिए भाई। भाई ये ना गलत बात है यार। जम्मू कश्मीर में आके कैसा एंजॉय किया? बहुत 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 अच्छा है। कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल प्लेस है भाई। सब लोग स्नोफॉल में एंजॉय कर रहे हैं भाई। बाकी स्नोफॉल देख लो अभी भी, कल भी गिरी भाई, रात को भी गिरी थी स्नोफॉल भाई, क्योंकि रात को बारिश श्रीनगर में ना बारिश कंटिन्यू बारिश भी तो यहाँ पे कंटिन्यू स्नोफॉल हो रही थी भाई। ये लोग घूमने के लिए गए थे भाई, एक दो घंटे इन्होंने स्नोफॉल में एंजॉय किया, तो स्नोफॉल में एंजॉय करने के बाद उसके बाद वापस निकल गए हम श्रीनगर की ओर। तो बाकी कल देखिए भाई कल का क्या रहेगा, अभी यहाँ पे कर रहे हैं लंच ये लोग। डल लेक का नज़ारा शाम के टाइम का भाई, ये देख सकते हैं आप, वो रही अपनी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई भाई, जा ही रहे थे भाई। हमने सोचा मैं चलो कस्टमर लोग को निषाद गार्डन दिखा के फिर चलते हैं भाई। अभी कस्टमर लोग जो निषाद गार्डन देखने के लिए गए हैं भाई, वहाँ से वापस घूम के आएंगे फिर निकलेंगे सीधा होटल। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं भाई। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब भाई? उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं के साथ हम भी खैरियत से हैं भाई। अभी पहुंच चुके हैं हम सोनमर्ग में, ये देख सकते हैं हमारे पीछे पूरी बर्फ की चादर है दिखी भाई। बहुत देर के बाद सोनमर्ग आए भाई, पिछले चक्कर भी आए थे भाई नीचे गगनगिर तक की गाड़ी आई, ऊपर जाम लगा हुआ था, वहीं से कस्टमर घूम के गया। उससे पहले भी जितनी बार आए 4-5 बार आए भाई, तो ऊपर गाड़ियाँ अलाउ नहीं करते थे, वो टैक्सी यूनियन की गाड़ियाँ आती थी वहाँ से भाई, तो हमारी गाड़ी को अलाउ नहीं करते, हमारी गाड़ी नीचे गगनगिर तक ही आती थी। तो आज हम आए हैं भाई सोनमर्ग में, ये देखो कितना प्यारा ब्यूटीफुल प्लेस है भाई। तो सुबह निकले थे भाई 9-9:30 के करीब निकले थे होटल से, होटल जहांगीर है भाई, जहांगीर चौक में ही साथ में ही उतरी, तो नाइस्टे वहीं पर थी भाई। तो सुबह निकले थे वहाँ से सीधा आ गए थे भाई सोनमर्ग में। तो बाकी ये देख लो भाई कितने सारे टूरिस्ट यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं भाई, ये देख लो। ये दादा भी कोलकाता से, ये किचन वाला बंदा भाई अपनी गाड़ी के साथ, 7 बंदे भाई, 2 बंदे किचन वाले हैं, एक बंदा उधर ही है रूम पे ही, एक बंदा इधर आया भाई मेरे साथ। इसको बोला मैंने चलो फोटो शोटो खींच लेते हैं भाई। तो अभी हम थोड़ी वीडियो शूट कर रहे हैं भाई, तो थोड़ा फोटो शोटो भी शूट करेंगे, और भी दोस्त आ रहे हैं कुछ भाई, उनके साथ फोटो शोटो शूट करेंगे फिर जाएंगे सीधा बैठेंगे भाई गाड़ी में। कस्टमर लोग भी घूमने के लिए निकल गए हैं भाई, अब पता नहीं किस चीज़ पर घूमेंगे क्या करेंगे, ऐसे ही स्नोफॉल में फोटो शोटो उठाएंगे या क्या करेंगे। सुबह के बज रहे 8, अभी निकलना है हमें यहाँ से सोनमर्ग के लिए भाई। लोड होटल हमारा भाई जहांगीर चौक में, जहांगीर होटल, अभी तो दूसरी गाड़ी जो छोटी गाड़ी अपने साथ ही वो निकल गई है भाई, हम भी करते निकले की तैयारी, कोल्ड स्टार्ट करके रखी है अपनी गाड़ी। तो कस्टमर लोग बैठ चुके हैं भाई, निकलना है यहाँ से सीधा सोनमर्ग की ओर। ये देख सकते हैं आप कितने सारे टूरिस्ट स्नोफॉल में इंजॉय कर रहे हैं भाई, तो अपने टूरिस्ट भी इंजॉय कर रहे हैं भाई। यहाँ पे स्लीज होती है, स्नो बाइक है भाई, तो सब एडवेंचर है भाई टूरिज्म की तरफ से। ये देख लो भाई कितने सारे टूरिस्ट इंजॉय कर रहे हैं भाई स्नोफॉल में। भाई स्नोफॉल का ना बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल प्लेस है यहाँ का सोनमर्ग का भाई। तो आते आते समय भाई एक जगह थोड़ी बहस हो गई भाई, पिछले चक्कर आया मैं भाई, पिछले चक्कर हमने वहाँ पर पर्ची जो है 70 रुपये दी, तो इस चक्कर में जो आए इस चक्कर में आया तो इस चक्कर में उन्होंने लिया भाई 100 रुपये मांगने लगे भाई। मैंने उनको बोला भाई किस चीज़ का 100 रुपये देना है भाई। फिर वहाँ से भाई जब मैंने थोड़ी बहस शहस की तो फिर उन्होंने 30 रुपये मेरे को वापस दे दिए भाई। भाई ये ना गलत बात है यार, जम्मू की गाड़ी कोई भी आती है जम्मू की गाड़ी को ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। ये देख सकते हैं भाई कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल प्लेस है भाई। सब लोग स्नोफॉल में इंजॉय कर रहे हैं भाई, बाकी स्नोफॉल देख लो अभी भी, कल भी गिरी भाई, रात को भी गिरी थी स्नोफॉल भाई, क्योंकि रात को बारिश श्रीनगर में ना बारिश कंटिन्यू बारिश भी तो यहाँ पे कंटिन्यू स्नोफॉल हो रही थी भाई। आप ये देख सकते हैं भाई कितना प्यारा सा ब्यूटीफुल प्लेस है, ये देख लो भाई, देख सकते हैं भाई ये सोनमर्ग के नज़ारे हैं भाई। सोनमर्ग की ब्यूटी है भाई, पूरी स्नोफॉल की चादर बिछी हुई भाई, मेन स्पॉट पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है भाई वहीं पे स्नोफॉल है, तो सब टूरिस्ट लोग इंजॉय कर रहे हैं स्नोफॉल में। ये देख सकते हैं आप कितने सारे टूरिस्ट आ रखे हैं भाई, कोई जम्मू से कोई कश्मीर से भाई, हर जगह से टूरिस्ट यहाँ पे आए भाई, तो इन्जॉय कर रहे हैं स्नोफॉल का। ये देख सकते हैं भाई ये स्नो बाइक है भाई, ये देख सकते हैं अब ये स्नो बाइक का एडवेंचर है भाई सोनमर्ग में। इसका प्राइस पता नहीं क्या रहता है भाई, वो तो इन्हीं को पता होगा, हमें तो इस चीज़ का पता नहीं भाई। स्नो बाइक ये रही, ये देख सकते हैं भाई,
भी निकल चुके हैं भाई यहाँ से वापिस श्रीनगर की ओर, उसने घूम लिया भाई, कर लिया एंजॉय स्नोफॉल। अभी नीचे रुक के कहीं इनको कहीं लंच भी करवाना है भाई, ये देख सकते हैं भाई। बाकी कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी हैं भाई पूरी रोड पे, पार्किंग में तो स्नोफॉल है भाई, ये देख सकते हैं आप, ये सनमर्ग के नज़ारे हैं भाई, देख लो भाई। ये देख सकते हैं भाई, अभी निकल चुके हैं भाई यहाँ से वापसी के लिए, ये देख सकते हैं भाई। बेटा उखड़ा कोलकाता से? नहीं उखड़ा, हाँ वो कहाँ पे पड़ता है? बहुत दूर है। फिर मैं आके कैसा एंजॉय किया? बहुत 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 अच्छा है। अच्छे से घूमे ना स्नोफॉल में? बहुत अच्छा। ओके ओके, आप दोनों भाई हो क्या? हाँ। अभी आ चुके हैं भाई सोनमर्ग से वापस, तो थोड़ा सोनमर्ग से नीचे आके गगनगीर से थोड़ा नीचे आके भाई यहाँ पे होटल पे लगाए, यहाँ पे करेंगे ये लोग लंच, क्योंकि इनका खाना साथ में भाई होटल पे रुक के खाना शाना खाएंगे, तो उसके बाद निकलेंगे वापस श्रीनगर की ओर भाई। तो ये लोग घूमने के लिए गए थे भाई, एक दो घंटे इन्होंने स्नोफॉल में एंजॉय किया, तो स्नोफॉल में एंजॉय करने के बाद उसके बाद वापस निकल गए हम श्रीनगर की ओर। तो बाकी कल देखेंगे भाई कल का क्या रहेगा, अभी यहाँ पे कर रहे हैं लंच ये लोग, वो भी दिखाते हैं आपको। तो लंच करके उसके बाद निकलेंगे भाई ये लोग सीधा श्रीनगर की ओर। बाकी ये छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं भाई, बहुत एंजॉय किया इन्होंने भी स्नोफॉल में। क्या बच्चे एंजॉय किया ना स्नोफॉल में? बहुत किया ना। अच्छा, तो ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हैं इनके साथ भाई, तो इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया स्नोफॉल में भाई। तो बाकी अभी ये लोग कर रहे हैं लंच यहाँ पे बैठ के भाई, तो ये करेंगे लंच, उसके बाद निकलेंगे हम सीधा श्रीनगर की ओर। डल लेक का नज़ारा शाम के टाइम का भाई, ये देख सकते हैं आप, वो रही है अपनी गाड़ी वहाँ पर लगी हुई भाई, जा ही रहे थे भाई, हमने सोचा मैं चलो कस्तुम्बर लोगों को निषाद गार्डन दिखा के फिर चलते हैं भाई। अभी वो जिनको भेज दिया भाई निषाद गार्डन में घूमने के लिए भाई, भाई जा रहे थे भाई निषाद गार्डन से होते हुए होटल जा रहे थे भाई, तो रास्ते में निषाद गार्डन पड़ रहा था, टाइम भी था, अभी मैंने बोला चलो निषाद गार्डन देख लो भाई उसके बाद निकलेंगे। तो अभी कस्तुम्बर लोग जहाँ निषाद गार्डन देखने के लिए गए हैं भाई, वहाँ से वापस घूम के आएंगे फिर निकलेंगे सीधा होटल। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं भाई, हमारे गेस्ट आ चुके हैं भाई गार्डन से बाहर, तो अभी जा रहे हैं हम उनको पिकअप करने के लिए भाई। शालीमार गार्डन ये अपना निषाद गार्डन घूमने गए थे भाई, ये रही यहाँ की पार्किंग भाई, पार्किंग में पार्किंग बहुत ही ज़्यादा पार्किंग है भाई, अभी 100 रुपये पार्किंग ले रहे थे, हमने पार्किंग में बाहर ही खड़ी की थी भाई। अभी हमारे कस्टमर लोग घूम के आ चुके भाई, यहाँ पे लगा हुआ खतरनाक वाला जाम भाई, खतरनाक वाला जाम लग चुका भाई।